साले ये सब काम करते रहते हैं। ऐसे बड़ी के मना किया था भाई, ये तो बोल रहा था। हाँ ये प्रॉपर मना किया था, नहीं लाना है, नहीं लाना है, फिर भी लेके आया। क्या हुआ बाबा, फोन कर रहे हैं बताइए। अरे भाई बंदर भागे आपके तरफ गया क्या? बंदर भाग के क्रिकेट खेलने के चक्कर में बंदर भगा दिया क्या? मीर तो यार मैं हूँ आसू बेटर खड़। अच्छी अम्मी बहुत टाइम बाद अपना इंट्रो। हाँ सही है। यू आर गुड, सिंगल किडनी ऐसे मत बोलो। अच्छा ऐसे वीडियो साथ में बोलो। देखो क्या है, क्या तुम जानते हो मेरे मम्मी का बॉन्ड कुछ अलग लेवल का, ठीक है? तो मैं मम्मी को प्यार से तो ना प्यार से हमारी नोकझोंक होती है, बोलता हूँ ए सिंगल किडनी ये चुप, भाई बोलती है ए यू डबल किडनी भाग यहाँ से, ऐसे पता चलता रहता है। लेकिन हाँ सबसे मेन भाई ये देख लो, यहाँ पे नॉडी अपना फुल नाश्ता कर रहा है। देखो तो क्या तो गुस्से में हो रहा है, ओए ओए मुझे खाना खाने दे अपना, हर वक्त क्या लेके आ जाता है। इसे अपना खाना खाने देते हैं। और पग्गू का है, वेयर इज पग्गू? अच्छा इधर है क्या, कहाँ है? ओहो ये तो रहा। अच्छा ये देखो पग्गू यहाँ पे अपना खाना खा रहे हैं, ठीक है? और सबसे मेन तो यार देखो अपने यार बंदरों का ना सैड लैग आ गया है, ठीक है? और माँ तू मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रही क्या? अभी नहीं जा रही हूँ अभी। अच्छा मोटी हो जाती है तो मुझे मोटा नहीं होना है। अच्छा अच्छा। और देखो यहाँ पापा भी नहा के निकल गए हैं, ठीक है? पापा क्रीम लगा रहे हैं, पापा क्रीम लगा रहे हैं। और कुछ नहीं बोलेंगे हा? थोड़ा अपनी ऑडियंस से बात कीजिए कि गाइस मैं ठीक हूँ, तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो मेरी, क्योंकि यार लोग आप बहुत सोचते हैं यार आपके बारे में, मतलब आपसे तो बहुत प्यार करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है ना बाप? अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि यार लोग सच में तुम लोग यार मतलब तुम लोगों को बिगअप से आ, तुम लोग इतना ख्याल रखते हो ना मेरी पूरी फैमिली का, मेरा बहुत अच्छा लगता है, कनेक्शन फील होता है, ठीक है? अपन क्या मास्टर बटर की पब्लिक है यार, अपने को फुल सपोर्टिव अच्छे दिल बने रहना है। आप बुरे दिल के अच्छे दिल के? अच्छे दिन के लिए है। अच्छे दिन के लिए है? बहुत अच्छे दिल का है ये, जितना मेरा सेवा किया है ना उतना मेरा अपना भाई भी नहीं करता। तो नहीं यार ये बात तो है कि अंकल ने इस वक्त पे काफी सपोर्ट किया है, ठीक है? और थोड़ा वाह बोलते बोलते इमोशनल भी हो गया, ठीक है यार वाह। और देख लो यार आज कितनी ज्यादा धूप हो रही है, ठीक है? मतलब दिल्ली में यार जब धूप ऐसे देखता ना मुझे पुरानी पता नहीं पुराने दिन याद आते, बीच में इतना सही मौसम हो गया था दिल्ली का, बड़ा मजा आता था। और ये देख लो ये रहा अपना काला घोड़ा, बहुत जल्दी इसको मॉडिफाई भी करेंगे अपन यार, कुछ बढ़िया बढ़िया इसमें रैप करवा सकते हैं या एलॉयज वगैरह। एलॉयज तो देखो बढ़िया है, तुम बताओ अपनी गाड़ी में क्या मॉडिफाई करना चाहिए, ठीक है? बाकी ये देख लो ये आ गया ललित का घर। और अंकल वैसे पता है ये कौन सा वाला है जो बच्चों को देते हैं ना, पपीज जो होते हैं उनको देते, पपीज बोल रहा हूँ यार, ह्यूमन बेबीज, क्योंकि हाँ बच्चों वाला साइड लग ये वाला है, पपीज का अलग हो तो मैंने बात कर ली थी। हाँ अपने जो भाई है उन्होंने कहा कि नहीं बच्चों वाला दे सकते हो आप, पपीज वाला पपीज के लिए होता है। ये देखो ये रे अपने बंदर देख रहे हो? हाँ भाई ठीक हो मम्मू? और देखो यार ओए ये कैसे इतना बेंड हो गया यार। और देखो यार काफी लोग ये समझते हैं कि यार ये एग्जॉटिक पेट्स पालने के लिए कुछ तालीम लेनी पड़ती है, कुछ मतलब कोर्स करना पड़ता है, क्या ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये भी जानवर हैं। बस दिक्कत यहाँ बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि भाई यार इसको रिलीज कर दो, कोई आपको अगर पिंजरे में रखेगा कैसा लगेगा? अरे मेरे भाई एग्जॉटिक पेट्स ही, अगर मैं इनको छोड़ दूंगा ना तो इनको जो एनिमल्स है ना ये जो डॉग या कोई भी हो यार सब मार देंगे, डॉग बिल्ली वगैरह ये बाहर के हैं, ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ये बाहर की ब्रीड्स हैं, इंडिया के लिए है ही नहीं, इंडिया के हिसाब से इनको है ही नहीं, आदत ही नहीं है। तो इनको छोटे से अपने स्पेस में ही मजा आता है, इनको बस प्यार चाहिए, और प्यार तो मानते मैं देता ही हूँ, ठीक है? हाँ प्यार में मैं कोई कमी नहीं रखता यार, मतलब प्यार तो फुल ऑन देता हूँ मैं इन्हें। और बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि यार इनका जो पिंजरा है छोटा लग रहा है बहुत लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई मतलब ये पिंजरा जो है काफ़ी इनफ है यार, देख रहे हो? और इसमें क्योंकि पिंजरा ये इनके खेलने वाला साइड है और इधर ये सोते हैं, बाकी रूल्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे शायद अपने भाई ने बताया था कि 10 फीट का वैसे इनका केज होना चाहिए अगर तुम प्रॉपर रख रहे हो तो। तो अभी तो देखो मैंने प्रॉपर अपना फाइनल नहीं किया है कि मैं अपने मानव शर्मा को रख रहा हूँ नहीं रख रहा, तुम लोग बस ज़्यादा सा सपोर्ट दिखाओ वीडियोस में, लाइक करो वीडियो को, तो मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि हाँ यार चलो रख लेते हैं, थोड़ा अपन भी 4-4.5 लाख का अरेंजमेंट कर लेंगे, वो तो कर लेंगे ही सभी, लेकिन हाँ थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे तभी। तो जब मैं खुद फाइनल कर दूंगा ना कि मैंने बाय कर लिया है तब जाके यार मैं इसको फिर इसका केज भी सेटअप करेंगे, उसमें जंगल वंगल बनाएंगे बढ़िया, लेकिन अभी के लिए तो मेहमान है ना, जिस केज में मुझे दिया गया उस केज में ही रखूंगा मैं, तो शट अप।
तो देखो ये है इनका सैड लैग, ठीक है, आओ जो डालते हैं। मुझे भी यार आदत छूट गई थी, मतलब जब मैं पपीज अपने पग्गू और नॉडी को ले गया तभी मैंने सैड लैग बनाया था, ठीक है। आओ इधर दिखा दो, ये कुछ अपना सैड लैग होता है, थोड़ा सा हम पाउडर डालेंगे, ठीक है। वैसे बेबी वाला सैड लैग यार तो काफ़ी मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं जो मतलब जो मैरिड है जिनके बच्चे वगैरह हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये क्या चीज़ है ना। आओ इतने में थोड़ा पानी डालते हैं, सब कुछ दिखाओ, ठीक है। ये देखो, एक तो जब से ये आए हैं ना उसके बाद से अब ये सैड लैग खाने वाले हैं, खाने पीने पता नहीं कैसे करेंगे, इन खरीद लेंगे, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि यार इससे ज़्यादा सैड लैग, अंकल इससे ज़्यादा की नीड नहीं होगी, छोटे छोटे से तो हैं, इनको पहले आदत थी, ऐसी बात नहीं है सैड लैग की। अभी थोड़ा सा ये देखो कैसे देख रहे हो, ये देखो मजे से अपना सैड लैग पी रहे हैं। क्या बात है यार, मजे से चढ़पड़ा रहे हैं ना, पसंद आ रहे हैं अंकल, एकदम खुश हो गए तो। अब देखो, अब हम इसमें हल्के से कीड़े और डाल रहे हैं, कीड़ा सेब तो खाई कि बस कि बढ़िया ये खा ले, अपना सैड लैग भी दे दिया इन्हें, अभी जितना मूड था उतना उन्होंने खाया, बाकी ये तो खाते रहेंगे, ठीक है। और हाँ नेहा, एक काम करना, मैं जो जिनसे लिया ना मैंने भैया, उन्होंने कहा है कि इन ये चावल भी खा लेंगे, चावल से इनको फैट मिलेगा, तो कभी चावल वगैरह बच जाए ना, तो तुम पहले भी देते तो शायद दिया था ना एक बार, खाया था तुम्हारे सामने, हाँ चावल सब खा लेते, हाँ तो चावल देना, चावल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा रिस्क वाला काम होता है यार इनके ना, ये चेंज करना है ऐसे, थोड़ा ट्रे भी इनका साफ रहेगा, सही रहेगा ना। और न्यूज़पेपर होगा फालतू, हाँ तो वो बिछा देंगे एक बार, बाकी जो बचा वाला कूड़ा है तो फालतू वो भी डालते हैं। हाइजीन हर किसी को पसंद है यार, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान, ठीक है। तुम लोगों को बताया आज की वीडियो का टाइटल क्या है, ठीक है। बहुत टाइम बाद अपन प्रैंक कर रहे हैं मम्मी के ऊपर, प्रैंक ऑन माय मॉम। अंकल याद आया क्या प्रैंक है, क्या प्रैंक है बताइए। ये मम्मी को बताना है, हाँ, कि बंदर भाग गई जी, हाँ, उसका क्या रिएक्शन होता है वो देखने से पता चलेगा, वो देखेंगे हम, ठीक है भाई साहब। और मुझे बताया बड़ा खतरनाक रिएक्शन होगा, तो मम्मी को बोलूंगा मम्मी बंदर भाग गए हैं, वो देखिए क्या क्या बोल रहा है। अच्छा पहले तो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। रूम थोड़ा फैला फैला लग रहा है, नेहा क्यों फैला है, ये वो सीमेंट आ गया था ना इसलिए सही करवाया। हाँ यार देखो, जो अपने घर है ना वो डीडे फ्लैट है, ठीक है। वैसे डीडे फ्लैट में ना कभी भी ऐसे मतलब कोई भी खरोच और सीमेंट नहीं गिरता, लेकिन पता नहीं इसमें थोड़ा सीमेंट गिर गया था, तो अब इसको थोड़ा रिपेयर करवाया हुआ तो इसमें थोड़ा फैला हुआ है, इग्नोर करना इस चीज को। मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या है कि सबसे पहली बात कॉल करके सबसे पहला शब्द अंकल बोलेंगे, ठीक है। तुम अंकल बता देता हूँ कैसे कैसे क्या, बेटा पहले प्रैंक देख लो ना करते हुए, ठीक है, मजा आएगा। अंकल चाहे वो जितना भी बोले कि ए सच बोलिए, सच बताइए, हंसना नहीं है और सच नहीं बोलना है, ठीक है, ठीक। A few moments later. देखो यार अभी क्या है कि ना, अभी मम्मी थोड़ा नहाने गई हुई है बाथरूम, ने कॉल वॉल किया उठाया नहीं मम्मी ने, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, देखो पापा के लिए फुल रिस्पेक्ट है, पापा अपने पापा है, समझ रहे ना, पापा दर्जा है उनका कुछ, लेकिन पापा के लिए मैं रिस्पेक्ट एक और चीज में करता हूँ। पापा जिस तरीके से गुस्सा करते हैं, पापा की जो कॉमिक, मतलब कॉमिक भी क्या, पापा की जो टाइमिंग है ना गुस्सा करने की, तुमने कॉमिक टाइमिंग सुनी होगी, यहाँ पे एंग्री वो थे ना, रिपल्सिव टाइमिंग वाला मैटर है, तो पापा की मिमिक्री मैं भी करता हूँ, अंकल भी करते हैं। पहले अंकल के बताएंगे, ठीक है। अंकल समझिए जैसे हम पापा को फोन करते हैं, ठीक है। और हाँ सबसे मेरे अंकल, मेरी जितनी ऑडियंस है ना सबको पापा के ऊपर वाले प्रैंक्स बहुत पसंद है, कि जब पापा गाली देते हैं लोगों को सुनने बड़ा मजा आता है, कि हाँ मास्टर बटर को उसका भाप धमका रहा है, गाली दे रहा है, वो देखो देखो। तो मैं जानता हूँ तुम पापा को बहुत पसंद करते हो यार, अंकल भी करते हैं, ऐसी बात है, अंकल फुल रिस्पेक्ट करते हैं। अंकल एक बार जरा अपने तरीके से जरा मिमिक्री करता है कि अगर पापा को हम बोलते कि बंदर पापा भाग गया तो पापा का रिएक्शन क्या होता। पहले कैसे भागा वो, गेट खुला हुआ था, अगर तुम लोग मना कर दिया था लड़ाई के लिए, दांत दांत और पीसे थे, एकदम घुसाएंगे तुम, कहेंगे साले भाग गया मत, मैं बड़ा कैसे समय उसको मीर को नहीं लेके आना, नहीं लेके आना, अब 4 लाख रुपये कौन देगा उसको, चार लाख रुपये कौन देगा उसको, दो साल को मैं जानता कुछ, मैं कुछ नहीं जानते दो। और देखो मेरे को जो मिमिक्री आती है ना उसमें तो सिर्फ गाली है, ठीक है। मैं क्योंकि मैं तो पापा को इन रियल गुस्सा कर देता हूँ, देखो दो लाइन बताया बस, पापा गुस्सा होता है ना अपने दांत पीस के आवाज पतली कर बोलते हैं, कुछ इस तरीके से मजाक करते हैं अंकल। बताओ ये टाइम मम्मी उठ जाए एक बार फिर सीधा चालू करते हैं। चार्ज में उठ के भाग गया डर से, हाँ ऐसा खराब है, साले ये सब काम करते रहते हैं, सुनी के मना किया था भाई, यही तो बोला था, हाँ ये प्रॉपर मना किया था, नहीं लाना है फिर भी लेके आया, अब 4 लाख रुपये देना पड़ेगा उसको, हमें नहीं दूंगा 4 लाख रुपये, अपने आप देता रहेगा वो। फुल लाइक कर दो यार इस बात पे वीडियो को, हाँ ये हुआ प्रॉपर। तो देखो जब तक मम्मी यार बाथरूम में है जब तक मम्मी फोन पिक नहीं कर पाएंगे तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। आइए अंकल, हाँ ये देखो देखो नॉडी भी आ गया, दीजिए अंकल दीजिए, ना ना छोड़ मत यार, हाँ तभी तो छोड़ मत यार, पागल हो जाएगा ये, चले अभी ले जा इसे यार,
ये जो बाल्टी है ये हम यहाँ रखते हैं, हाँ जो एसी का पानी है ना वो गिरता है यहाँ पे। अरे भाई बंदर भागे आपके तरफ गया क्या? बंदर भाग के क्रिकेट खेलने के चक्कर में बंदर भगा दिया क्या? मेहर कहाँ भगा दिया? अरे मम्मी यार पता नहीं मैंने उसको खाना वाना दे रहा था उसमें से निकल गया बंदर। अरे पता नहीं थी उधर आया क्या उस तरफ आपके तरफ गया क्या? अरे माँ पता नहीं यार 4 लाख कहाँ से लाऊंगा अभी यार, कहाँ गया बंदर? थोड़ा ढूंढना यार घर पे देख, कहीं नॉडी और जो दबा नहीं लिया घर पे, देख टेंशन से हो रही है यार। अरे अभी नौटी आया था इधर, अभी नौटी बाहर आया था उसी चक्कर में लगता हुआ है, दिखाने लाया था उसको ये नौटी को यार पता नहीं कुछ तो हुआ है वहां से, बड़ी तेज छेड़ छू करके भागा है यार। हाँ नौटी नीचे आया था ना नौटी इधर ही। अरे हम यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे यार, ये जो एरिया नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा फड़का हुआ था लगता है, उसको झपटा मारा वो निकल के भाग गया वो। अरे यार कुछ तो हुआ है अम्मी, भाग गया वो यार, क्या करूं मैं, टेंशन सी हो रही है। अरे तो हम क्या करें, तू जा ना, तू बाहर लेके आ था बंदर बंदर। अब बोल रहा है हमें बता रहा है कि मम्मी को बताइए उसका ऊपर तो नहीं गया बंदर, कहाँ से ऊपर जाएंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, कहता पेड़ से गया होगा, आपके पेड़ तक कहाँ चल जाएंगे ऊपर यार, मुझे तो लग रहा था। एक भागा एक है। अरे बाप रे, आंटी भी दरिया, आंटी जरा बताइए ना कहाँ भाग गया बंदर? अरे बाहर जाली इन्होंने बाहर रखी थी, बस बाहर से जाली खोली, बता नहीं कहाँ गए, खेलने में लग गए अपने। अंकल चलो चलो बंदर खोजने चल रहे हैं, ठीक है यार ऊपर गए होंगे। हाँ अभी हमें नाटक कंटिन्यू करना है, नाटक खत्म नहीं हुआ, ठीक है। ओहो कहाँ गया बंदर? नॉटी बंदर देखा क्या तूने? अब यार इसने भी नहीं देखा अंकल, चले 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 बंदर ढूंढ रहे हैं यार, कहाँ गया यार, इधर भी कहीं दिख रहा है बंदर, ये पकड़ा है ये भगाया है पता नहीं यार, किसने बंद किया ये? 1 hour later कहाँ कैसे साइड में बिंदी लगा? हाँ मी बता। अच्छा किया, तुझे पता है कि वो देख के उसको उछलता क्यों, उसको दिखाने के लिए गया था तू पागल? तो जंगल ने बता दिया क्या? क्या कि भाग गया? मतलब हाँ। भागा बता दिया हाँ, कि भाग गया। अंकल ने सच बता दिया तेरे को कि हम मजाक करते थे कुछ? हाँ बता दिया सच, मजाक कर रहे थे क्या तुम लोग? मम्मी इतना गुस्से में थी अभी इतनी ज्यादा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि यार मेरे को भी एक कॉल आ गया था, मैं कॉल में लग गया था, मैं लिटरली बता रहा हूं गैप हो गया 15 मिनट का। तुझे पता है कि नॉडी देख के तू उछलता है क्यों, तू दिखाने के लिए ले गया नॉडी को? मां मां बंदर भाग गया ऐसे बोल रहा था ना मैं, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि नॉडी छरपा तब तो भाग गया। किसने बताया था कि नॉडी छरपा तो भाग गया? अंकल ही, अंकल तो बोल रहा है। अच्छा अच्छा, तब बहाने बना देंगे, वो टूटा हुआ था तो उसे भाग गया। हां हां टूटा हुआ था उसे दे दे भगवान 4 लाख रुपया हमको कोई मतलब। मुझे तो लग रहा है मम्मी को पता लग चुका है कि एक प्रैंक था, मम्मी पता लग गया तेरे को, मम्मी को कैमरा देखती पता लग गया ये प्रैंक था। कहने का था मैं दांत के बीच में तेरी स्पेस किया है अभी भरवा ले। अभी इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उसका गुस्सा सा सर पे था दम। अच्छा बस नहीं चला सामने रहता, पिटाई हो जाती उसको। अच्छा अच्छा, क्यों लेके आया, कहाँ लेके आया, कैसे लेके आया? अच्छा उस वक्त नहीं था। हाँ बात पूछो दम, कैसे भाग गया वो? तो आपको भी बहुत पहली बार आप ऐसे प्रैंक में इंडल्ज, कैसा लगा प्रैंक करके? बहुत खतरनाक नहीं होता? और बहुत खतरनाक, बहुत चांसेस होते हैं प्रैंक में बहुत। नेहा बोली ने मम्मी आओ बाल झाड़ देता हूँ, कहते नहीं झड़वानी यार हमें, कोई बाल नहीं झड़वानी है हमको। नहीं सच में यार भाई, प्रैंक करना कोई छोटा मोटा खेल लिए, बहुत पिटने के चांसेस होते हैं प्रैंक में यार। हमको नहीं बालू झाड़ है, सब कुछ कैमरे पे देख ली थी, सब लोग आए। अच्छा कैमरे पे देख ली थी क्या? सब कुछ देख ली थी यार। तो कैमरे देख के तुझे पता लग गया क्या प्रैंक कर रहे हैं? नहीं बाबू सब ढूंढ रहे थे, मम्मी बोल रहे थे सबको ऐड कर दिया था क्या? अच्छा हाँ हाँ सबको इंक्लूड कर दिया, आंटी भी आ गई साथ में, आंटी नेहा सबको इंक्लूड कर दिया। आंटी भी कर रही थी कि हाँ ऐसे ऐसे किया, हाँ चला गया।
ये मम्मी बोल रहे हैं बाल नहीं झड़वानी यार, हमको छोड़ दो, रहने दो। अच्छा फुल गुस्से में, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत किसी का चीज लेके आया है तो टेंशन होता ही है। सही बात, इतना महंगा है, अगर पैसे मांगे तो क्या करेगा, तू कहाँ से देगा पैसा? ठीक बात है, 4 लाख बहुत ज्यादा होता है यार, लेकिन ठीक है हम ध्यान तो रखें। अंकल सबसे मेन वो तो जाली जो टूटी है ना बीच में से, थोड़ा उसमें तार वार बांधकर कुछ करते हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है निकल सकता है उसमें से बंदर? नहीं नहीं ठीक है, नहीं निकलेगा ना, निकल जाएगा, मतलब बंदर का भरोसा नहीं, लेकिन वो है यार बहुत ताकत है उसके उसमें। या तो अंकल उसने तो नहीं किया कर करके, खैच खैच के उसने तो नहीं तोड़ दिया? कौन? बंदर ने, मुझे लग रहा है बंदर लगता है, बच्चे जो देखने आते हैं ना कुछ खिलाने पिलाने चक्कर में लगता है, जब ठूसने चक्कर में तोड़ दिया। ओहो, तुम देख लो आज बहुत टाइम बाद मम्मी ने मेरे लिए मैक्रोनी बनाई है, तो ये नहीं मैक्रोनी, जरा चख के देखते हैं ना आज। बहुत टाइम से मतलब मैं देखता हूँ कि तुम लोगों को खाना दिखा तो देता हूँ पर चख के नहीं बनाता, मतलब ऐसे ना, क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा लगता है ना, तुम लोगों को फिर लालच आएगी, फिर तुम लोग अपना फ़ोन खाने की कोशिश करोगे कितना टेस्टी मैक्रोनी क्यों खा रहा है ये, है ना। क्या बोलते कोई कर, लेकिन हाँ मज़ा आता है तुम लोगों को लाइव मार दो वीडियो को, प्रैंक कैसा लगा मुझे बताना साथ में लिखना, आओ मैक्रोनी खाते हैं। सही है, मम्मी तो देखो ज़्यादा करते सिंपल ही बनाती है, सिंपल बढ़िया है ना, ज़्यादा सब्जी डालो, सब्जी ज़्यादा पसंद नहीं मुझे मैकोनी में यार, और मैकोनी तुम जानते हो मास्टर बेटर लव्स मैकोनी वेरी मच, है ना, फुल मैकोनी लवर है पर। और सबसे मेन मुझे एक बात बताएं तुम लोगों को, जैसे मेरे पास अभी मंकी है, ठीक है, बेबी मंकी जो है मार्मोसेट मंकी, अपना वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मंकी, बहुत लोगों के पास इगुआना होता है और कुछ लोग शौकीन जो होते हैं सांप भी पालते हैं, बेसिकली रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स कैटेगरी में जितने भी एनिमल्स आते हैं बहुत बंदे हैं जो पालते हैं एक्जॉटिक में, है ना, तो तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया ना एक मैं प्रोडक्ट लेके आऊँ, प्रोडक्ट किसका यार, जो अपने राहुल भाई नहीं है उनका प्रोडक्ट है रेप्टीबूस्ट, ठीक है। रेप्टीबूस्ट क्या करता है, तुम्हारे जितने भी रेप्टाइल्स ना, इगुआना हो या कोई सा भी एनिमल हो यार, लेकिन हाँ तुम अपने रेप्टाइल्स को खिला सकते हो भाई रेप्टीबूस्ट, प्रॉपर मिनरल्स विटामिन कैल्शियम सब मिलेगा, तगड़ा बन जाएगा एकदम, है ना, और होपफुली रेप्टीबूस्ट की वजह से बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि हाँ अच्छे फिर ब्रीडिंग भी होती है, फिर अच्छे बच्चे भी पैदा होते हैं रेप्टीबूस्ट के बदले, ठीक है। तो रेप्टीबूस्ट अगर तुम लोग खरीदना है, मैं नीचे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में ना लिंक नंबर वगैरह सब डाल दूंगा, रेप्टीबूस्ट खरीदो, अपने इगुआना से लेकर जो भी एनिमल्स है उनको रेप्टीबूस्ट दो यार, तब फुल रहते तगड़े होंगे तुम्हारे भाई की तरह, है ना, आराम से मार दे। ये देखो भाई अपना नया नया बेस बैट देख लो, एल्युमिनियम बेस बैट, और तुषार किस काम आता है ये, क्या किस काम आता है? बेसबॉल खेलने में, बेसबॉल खेलते हैं क्या हम? हटके फोड़ते हैं हम तो, बहुत बड़े बेसबॉल प्लेयर लग रहे हैं ऐसे, हाँ लेकिन अभी अभी स्टार्ट करा है बेसबॉल खेलना। देख लो भाई, वैसे मैंने भाइयों को बताया कि यार आज मैंने इतना तगड़ा प्रैंक किया है भाई, आपको बताया मैंने कि बंदर भाग गए, अब गलती मैटर है वो, देख रहा हूँ वीडियो आप भी खराब होगी, अच्छा वो मैटर नहीं किया, मैं भी पड़ जाती बंदर भाग गए, अनुसार सही था प्रैंक, हां भाई बहुत तगड़ा था भाई, मतलब प्रैंक का आइडिया बेसिकली, ठीक है, इनको तो पता भी नहीं प्रैंक है, तुम लोगों की तरह ये भी है, इनको भी ये भी वीडियो ही देखेंगे, जब तुम लोगों ने वीडियो भी देख ली होगी तो यार वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पे नए हो भाई सब्सक्राइब कर देना, और सबसे मेन यार इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। इतना तगड़ा मैंने जिगरा लेके प्रैंक किया, और कैसा रहा प्रैंक मुझे बताना, ठीक है। बाकी भाई ये रही अपनी गाड़ी, और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, दिल्ली में ना ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे कोहरा भी आ रहा है, और मतलब मौसम ठंडा सा हो रहा है यार, मैं ये चेक मार रहा हूँ बहुत दिनों से, अच्छा है ठंडे मौसम मेरे को पसंद भी है, ठीक है, ज़्यादा ठंडा नहीं पर इतना ठंडा सही लगता है मेरे को, एक फीलिंग सी हो रही है, तो ये लग रहा है कि नहीं इसको फुल पहनना चाहिए वैसा, तो तुम बताना कि तुम्हारे एरिया में ठंड आई नहीं आई, चाहे दिल्ली से हो या दिल्ली से बाहर इंडिया से बाहर जो भी है मुझे बताओ, ठीक है। बाकी गुड नोट पर अपन वीडियो एंड करते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर मार देना, बाकी आओ खत्म करते हैं, मुझे बताओ यार कि अपने को नेक्स्ट कंटेंट क्या बनाना चाहिए मंकी के साथ, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाओ, मास्टर बटर आईडी है, जाके फॉलो मारो जाके यार, मुझे लगता है इधर बोलना पड़ेगा, कुणाल भाई को भी फॉलो करो, आपकी आईडी क्या है? कुणाल 0051 0051 फॉलो। हाँ भाई क्या, अच्छा XPIRATION, अरे पूरा मुश्किल है ना भाई, हाँ एक्सपायरेशन, दोनों भाई को फॉलो करो, मास्टर बटर को फॉलो करो, ठीक है, और प्यार बरसाओ बस यार, मतलब मैं चाहता हूँ तुम लोग सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी वीडियोस खतरा खतरा हम लाते रहेंगे, अभी यार मुझे लग रहा है वक्त भी आ रहा है मंकी को वापस देने का, ठीक है, तो मतलब होता है ना थोड़ा कुछ टाइम के लिए हमारे पास थी, और तुम लोग बताओ मुझे कि यार थोड़ा कमेंट सेक्शन में ना प्यार दिखा दो, मुझे बताओ कि अपने को इस मंकी को रख लेना है या दे देना है, देखो अच्छे खासे कमेंट्स मिले वैसे हर वीडियो में, आने वाले जितनी वीडियो है हमें बढ़िया बढ़िया कमेंट करो, और ज़्यादा कमेंट करो तब मुझे लगेगा कि हाँ मंकी अगर रखना है तो मैं रख भी लूँगा तुम लोगों की डिमांड में, ठीक है, बाकी प्यार बरसाओ यार इन वीडियोज़ में, चलो खत्म करते हैं वीडियो को, मैं मास्टर बटर से अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।